much fun in ages. What did you say your name was? तो ही गाइस वेलकम बैक यार, वापस से तुम लोग का स्वागत है लेजेंड आरसीएस के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो भाई साहब, हम तुम लोग को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। हम अपना शूरी को भाई कर लिए 17 लेवल का, सही बता दे रहे अभी हम तुम लोग को चीट कोड के थ्रू या रेयर कैंडी हम लिए थे उसके थ्रू। तो मेरे पास कुछ रेयर कैंडी है, 8 है कम से कम। लेकिन तुम लोग को एक मस्त चीज़ देखेंगे, हम लोग इसको कर रहे हैं इवॉल्व। भाई यार देखो अभी तुम लोग हमको बताओ, तुम लोग को लगाओ कि बी बटन से हम इसको कर दिए कैंसिल, लेकिन नहीं, हम फिर से इसको दे रहे हैं। देखो 19 लेवल का हुआ, फिर से इवॉल्व करने जा रहा है और देखना फिर से ऐसे ही ग्लिच कर जा रहा है। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई हम क्या करें। फिर हम डुओ लीप को देख दिए रेयर कैंडी, और भाई इसको देखो डुओ लीप भी भाई इवॉल्व करने जा रही है। और देख रहे हो तुम लोग कि भाई साहब ये क्या बन रही है जाके, भाई साहब ये इवॉल्व करके बटरफ्ली बन गई यार, कैन यू इमेजिन। ओ मैन, ये कन्फ्यूजन भी सीख गया, वॉट अ कन्फ्यूजन मैन, वॉट अ कन्फ्यूजन यार। सच बता रहे हमको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है भाई साहब। ये 19 लेवल का भाई और ये 10 लेवल का, 7 लेवल पे इवॉल्व किया था तो भाई हमको लगा था कि वाह इट्स अमेजिंग, 7 लेवल पे भाई डुओ लीप बन रही है। लेकिन भाई साहब ये तो कुछ और ही खेल हो गया यहाँ पे। तो हम सोच रहे कुछ अलग अलग पोकेमॉन जेन 9 का जो भी है या पैल्डिया रीजन का कोई अलग अलग पोकेमॉन लोग कैच करेंगे, तो इसलिए भाई ये दोनों पोकेमॉन को तो भाई हम अपना पीसी में रख देते हैं और चलेंगे ना अभी माउंट मून में, तो वहाँ कोई पोकेमॉन अच्छा अच्छा कैच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कोई अच्छा मिल जाए तो। तो भाई साहब चलो अभी हम लोग चलते सीधा माउंट मून में और भाई यहाँ का नज़ारा देखते हैं। ओ हो 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 यार, ये तो पूरा क्रिसमस का माहौल बना दिया है भाई साहब इस गेम को तो। ओ मैन, एक स्नो डंट, वो भी लेवल 8 का, फीमेल में है ये भाई, इवॉल्व करके फ्रॉस्टलेस बनेगा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो चलो भाई साहब। मेरा तो किलमोंगर 12 लेवल का हो गया फ्रॉस्टलेस को हरा के, माने कि स्नो डंट को हरा के स्नो डंट। और यहाँ हम लोग को भाई बुलेट शीट मिला, हम सोच रहे यहाँ पे बैटल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यार आइटम सब यहाँ का जो है ना वो सब ले लेते हैं, उसके बाद बैटल किया जाएगा। फिर से एक स्नोरंट, वो भी लेवल 10 का, लेकिन भाई हमको स्नोरंट चाहिए नहीं। लेकिन एक चीज़ याद है तुम लोग को, ओ मैन बैटल होने लग गया, चलो कोई बात नहीं बैटल में ही बताते हैं कि स्कारलेट एंड वॉयलेट का जीबीए वाला खेले थे तुम लोग, अच्छा से याद होगा, जिसमें कि भाई हम ग्लेली को कैच किए थे और मून स्टोन दिए थे, तो वो टेराफॉर्म वाला ग्लेली बन गया था, वाटर वाला ग्लेली। यहाँ पे हम लोग यार अपना पोकेमोन को चेंज किया, अम्बाकू को ले आए, पॉइजन स्टिंग, अरे यार पॉइजन कर ही दिया। तो तुम लोग सोच के बताओ यार, स्नोडन पे इसमें भी कैच करेंगे, मून स्टोन से इवॉल्व होता है तो। यार तुम लोग में से कोई यार इस गेम को कम्प्लीट किया हो या खेल रहे हो तो तुम लोग भी बताओ यार। चलो इसको तो हरा दिए बच्चा को, अब हमको अपना पोकेमोन को हील्ड भी करवा के ले, और यहाँ पे भी एक दो लोग से बैटल किए। ओ भाई साहब एक पिंपलप यार, इसको कैच करना चाहिए, हम इसको निकनेम भी देंगे, वाटर टाइप है ना पिंपलप, हम सोच लिए इसको क्या निकनेम देंगे। चलो पहले तो यार पोकेबॉल फेंका जाए इसके ऊपर, किधर है भाई, ये रहा तो पोकेबॉल बच रहा है भाई। हम सोच रहे चीट कोड के थ्रू मास्टर बॉल भी ले लें, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ रेयर कैंडी लिए। हम सच बता रहे, रेयर कैंडी लेने का कारण था मेरे पास कि भाई हम देखना चाहते थे कोई कोई पोकेमोन को इसमें इवॉल्व करके कि वो क्या फॉर्म बनता है या कैसा दिखता है, इसलिए चलो इसको निकनेम दिया जाए। इसका निकनेम भाई तुम लोग सोच सकते हो, हम लोग ब्लैक पैंथर देखे थे वकांडा फॉरएवर, उसी का निकनेम देंगे इसको, नमोड़। चलो भाई अपना तो पिंपलप नमोड़ आ गया अपना टीम में, और यहाँ पे हमको एक रेयर कैंडी मिला, ये चीट कोड के थ्रू नहीं था भाई साहब, ये हमको पड़ा हुआ मिला रोड पे। और भाई ये एक सील पोकेमॉन तुमको चाहिए नहीं, अभी देखेंगे कुछ अच्छा नहीं मिला तब तो हम इसको कैच कर सकते हैं भाई, क्योंकि जब गायगा गाया या गायगा जो भी कहा जाता है वो वर्जन उसको खेले थे, तो उसमें था ये वाला सील पोकेमॉन, फिर से आ गया, उसको हम कैच भी किए थे उसमें, जो कि काफ़ी अच्छा था यार। चलो यहाँ भाई आए, थोड़ा सा माने कि
हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ जगह पे, तो यार कुछ हमको वैसा कहाँ से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओ मैन, यहाँ पे पोकेमोन ही कुछ ज़्यादा इनकाउंटर हो रहा है। स्नोवर भाई ये भी सही है, लेवल 40 पे जाके ओबामा स्नो बनता है। अरे यार हट जा यार मेरा कि ओ भाई, हम एक सच बता रहे, मेरे पास वॉक टू वॉल का चीट कोड नहीं है, ये अपने आप यहाँ कुछ ग्लिच है भाई साहब। स्नो, अरे भाई किंग टीचाला पे अटैक कर रहा है स्नोवर भाई साहब, किंग का तो हालत ख़राब कर रहा है। चलो किलमोंगर को ही आगे कर लेते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हम लोग का किंग फेंट हो जाए। चलो यार यहाँ पे एक ईटर, चलो इससे भी लड़ के देखा जाए यार टीम रॉकेट का मेंबर के पास कौन सा पोकेमोन है, क्योंकि भाई हम लोग सिर्फ अभी तक एक्सप्लोर किए जगह को, सिर्फ एक बैटल किए और इधर उधर बस। स्कॉर्पी, तो भाई अपना पोकेमोन को हम सोच रहे चेंज ही कर लेते हैं। अम्बाकू के पास भाई फायर टाइप मूव है एम्बर, वही सही रहेगा यार इसके ऊपर। स्कॉर्पी डार्क प्लस बग रहता है, हाँ यही होगा, नहीं तो पॉइजन प्लस बग होगा, यही कुछ टाइपिंग होगा उसका। और भाई यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा किया है कि भाई यहाँ पे वॉक थ्रू वॉल का जो भी कलो ग्लिच है उसके थ्रू भाई हम लोग को पूरा घूमना नहीं पड़ा। चलो यार यहाँ पे देखा जाए एक रिवाइव, जैसा कि हम उम्मीद किए थे। भाई एक चीज़ अच्छा हुआ है ना कि माउंट मून को जो आईसी एरिया कर दिया है ना भाई साहब, वो लाजवाब है। चलो यार यहाँ से हम सोच रहे जल्दी निकलते हैं। यहाँ पे एक मून स्टोन ले लिए, जैसा कि तुम लोग को पता है वहाँ मून स्टोन रहता है। अरे यार कितना पोकेमोन एनकाउंटर होगा भाई, हम परेशान हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम सीधा ले आया तुम लोग को, नहीं तो यार हम पूरा गेम अभी तुम लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेंडिकेट था ना कि हम यार वो नहीं लिए, रिपेल हमको खरीद लेना चाहिए था। चलो कोई बात, हो भाई साहब ये चीड़ी, ये भाई हम कैच करना चाहेंगे, ये बग और आयरन जैसा दिख रहा है, ये पक्का स्टील और बग टाइप होगा। मच्छर है ना, नहीं चीटी है, पता नहीं जोड़ है, लेकिन भाई इसको हरा तो दिया एम्बर से हम लोग। और इसके पास भाई वोल्टॉर्ब है, तो भाई इसको भी हरा देंगे भाई साहब, लेकिन मेरा यार एचपी कम है अम्बाकू का। चलो कोई दिक्कत नहीं, वोल्टॉर्ब ग्रास टाइप ना रहता इसमें। ओ हो डैम यार, डैट्स तो कूल एंड ग्रेट, अपना भाई अम्बाकू इवॉल्व कर रहा है, डैट्स सो ग्रेट मैन, डैट्स रियली सो ग्रेट, वाओ भाई साहब अपना अम्बाकू इवॉल्व करके कुलावा बन गया। और भाई ये कह रहा है कोई भी फॉसल ले सकते हो कोई एक, तो डूम फॉसल या हेलियक्स, चलो हेलियक्स ही ले लेते हैं, क्या पता कौन सा पोकेमोन मिल जाए, काबूटोप भी मिल सकता है या ओमनिस्टार या ओमेनिस्टार, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। अपना पोकेमोन को तो अच्छा खासा लगा पड़ा है, तो भाई चलो सबसे पहले यार यहाँ पे भाई पोकेमोन इनकाउंटर होना कम नहीं हो रहा, हमको कोई भी ऐसा खास पोकेमोन नहीं मिला जो कि हम सोच रहे थे। ओ एक और पोकेमोन, अरे भाई मेरे भाई, हमको सही में समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे यार हमको एक रिपेल लेके आना चाहिए था कम से कम कुछ रिपेल एंटीडोट। चलो यार यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। चलो भाई साहब अब हम लोग आ गए हैं रूट 4 में, ये तो भाई बंदा तुम लोग को याद ही होगा जो मेगा किक मेगापन सिखाता है। और यहाँ पे ओ क्लॉन्सर भाई साहब, जेन 5 का है ना, जेन 6 का कोई का भी रहे भाई साहब, लेकिन है पोकेमोन जबरदस्त वो वाला भी। भाई यहाँ पे क्या क्लॉन्सर ही है सिर्फ, हमको कोई अच्छा पोकेमोन चाहिए भाई, जेन 9 का पोकेमोन चाहिए, हम लोग जेन 9 का गेम खेल रहे भाई साहब, हेशवन कोई फॉर्म भी आ जाओ यार कि हम उसी को कैच कर सके। हाँ यार यहाँ पे तो कुछ वैसा, ओ एक पोकीबॉल जो कि रोड था इसमें, जैसा कि हम लोग सोचे थे या सोचे क्या थे जो कि पता है भाई यहाँ पे और मिलता ही क्या है। चलो भाई साहब और यहाँ का भाई रूट का एरिया देख रहे हो, हम लोग म्यू को कैच कर सकते हैं, नहीं यार यहाँ तो म्यूटू ना रहता है, गलत बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बंदा कह रहा है भाई कि चैंपियन बन गया उसके बाद जाने मिलेगा, हम चीट कोड के थ्रू मास्टर बॉल से भी कैच कर सकते, कोई इसको बता दो। चलो यार छोड़ो हम लोग आ गए सेलुरियन सिटी में, जैसे देख रहे हो
तो मिस्टी को भी हम लोग चैलेंज कर ही लेंगे। चलो यार, सबसे पहले तो यार अपना पोकेमोन को हील्ड करवाते हैं, क्योंकि भाई बहुत गंदा लगा पड़ा है अपना सारा पोकेमोन का। न जॉय से हील्ड करवा के हम लोग क्या चलेंगे अभी चैलेंज करने के लिए मिस्टी को। तो चलो यार देखते उसके पास भी कौन सा पोकेमोन होगा, या कौन सा जिम होगा, या उसके पास कौन सा जेन 9 का पोकेमोन हो, वही देखना बेस्ट है। अपना भाई टिचाला को आगे करे क्या, सोच तो रहे थे। चलो पहले चलते हम लोग आगे, फिर देखते हैं। यहाँ पे भाई हमको एक चीज़ जानना था कि मिस्टी ही है ना, कि भाई मिस्टी के अलावा यहाँ कोई और है। चलो कोई बात नहीं, ये हमको ऐसा नहीं बताएगा, हम लोग को जा ही के पता चलेगा, बैटल करके ही पता चलेगा। फर्स्ट भाई ये बैटल करेगा हम लोग से, और इसके पास हॉर्सी है। भाई यहाँ पे कोई चेंज वेंज नहीं हुआ है क्या, हॉर्सी के जगह कोई और पोकेमोन दे देता। चलो इसको तो भाई अपना किंग टिचाला भी हरा सकता आराम से। तो भाई किंग टिचाला के पास भाई वाइन विप है ना, हाँ सही है, वाइन विप ही हम लोग इसके ऊपर करेंगे। कमॉन यार, डैम अच्छा डैमेज दे रहा भाई, वो 16 लेवल का ही 10 लेवल का डैम यार। किंग टिचाला सही में किंग है, वकांडा फॉर एवर गाइज, वकांडा फॉर एवर। चलो डैम यार, ये हुई ना बात सही। चलो ओ हो हो, जेन 9 का पोकेमोन भाई, ये तो भाई ट्वेड स्कूल जो भी कह लो भाई, अपना किंग को हरा दिया। लेकिन हम इसका नाम पढ़ने के चक्कर में यार किंग को हम हरवा देंगे, तो पोकेमोन चेंज भी कर सकते थे यहाँ पे। हाँ यार छोड़ो, हम इसके ऊपर एम्बर करके देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। ओ भाई सुपर डुपर इफेक्टिव दिखाया इसके ऊपर, क्या वो ग्रास टाइप था। मैन हमको यार मिला तो पक्का हम टोडे स्कूल को पकड़ेंगे। चलो यार सबसे पहले हील्ड करवा के आते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। चलो अब आ गए हम लोग हील्ड करवा के अपने पोकेमॉन्स को आराम से। अब भाई ओ ये लड़की बैटल करेगी ना, अपना किंग टिचाला को आगे करो। चलो भाई अब भाई इससे बैटल किया जाए, क्योंकि भाई ये तो सीधा कहेगी भाई मिस्टी से जाने से पहले तुमको मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है हम लोग तुमको हराएंगे, इजीली हराएंगे। अब भाई इसके पास गोल्डीन है, तो भाई अपना स्लिप पाउडर या रैप, रैप करना। चलो ये सही है, इसके ऊपर काम भी कर रहा है, डैमेज उतना कुछ खास नहीं, लेकिन भाई साहब डे तो रहा है कम से कम। ओ भाई किंग को कन्फ्यूजन, डैम यार। चलो स्लिप पाउडर भी काम कर गया यार, अपना किंग किंग है भाई साहब। किंग को कन्फ्यूज करने के बाद भी किंग सही अटैक कर रहा है, इसके समझ सकते हो किंग का डेडिकेशन। चलो भाई इसके ऊपर स्क्रैच, उतना डैमेज नहीं दिया, लेकिन हाँ ठीक ही ठाक दिया डैमेज। वन मोर टाइम, डैम यार सही डैमेज दे रहा है भाई। ओ जग गया यार, ओ ऑन अटैक भाई साहब। ओ हो हो डैमेज भाई डैमेज। चलो सही है, इसको तो हरा दिया। हम सोच रहे इसे लड़ ही लेते हैं, देख लेंगे। हम यहाँ पे गेम को सेव कर दिए हैं, वैसे नहीं सेव किए टोटली, जैसे नहीं रहता है स्क्रीन को क्विक सेव करके वैसे ही। चलो भाई मिस्टी को देखते हैं, यहाँ पे मिस्टी ही है ना। ओ एरिका नहीं, यहाँ पे कुछ गार्डनिंग कुछ करके लिखा हुआ था उसका नाम। और भाई ये टैंगला है भाई साहब, इतना सारा आँख वाला टैंगला कहाँ से आ गया। डैम यार डैम, वो लीबलेट। चलो सही है, हम इसके ऊपर एम्बर करते हैं। डैम यार क्या डैमेज दिया भाई साहब, बस वन मोर टाइम एम्बर, वन मोर टाइम। ओ भाई यार सुपर पोशन, अरे यार इस सबको सुपर पोशन कौन दे देता है। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई साहब ये हुआ ना बात। हाँ यहाँ पे भाई अपना किंग को ले आया है, किंग को इसलिए मजबूरी में लाना पड़ा है कि हम भाई अपना पोशन लेना चाहते थे इसको, तंबाकू को, मैजिकल लीफ, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। भाई ज़्यादा डैमेज छोड़ो, ही तो पूरा ही डैमेज कर दिया किंग को, फेंट कर दिया। चलो यार एम्बर भाई साहब, किंग का बदला लेना है तंबाकू। ओ मैन ओ, चलो भाई एम्बर सही जा रहा है इसके ऊपर, हेड बट भाई साहब बस लास्ट नंबर, यस। हाँ दिल को तसल्ली, दिल को सही में तसल्ली मिला है भाई। इसका गार्डनर या गार्डनर जो भी इसका नाम है, एरिका, एरिका को तो हरा दिए। चलो सही है, हाँ इसको तो हरा दिए भाई साहब यार, डैम।
वाह, चलो कम से कम यार मिस्टी को, एरिका, मिस्टी नहीं एरिका, ये लेकिन हम लोग को वाटर पल्स दी है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग बताओ यार गेम, तुम लोग यहाँ तक आए हो तो भाई ज़रूर बताना गेम कैसा लग रहा है। ज़बरदस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, ढांसू लग रहा है कि नहीं? ज़बरदस्त मस्त ढांसू लग रहा है तो यार बिना लाइक से सब्सक्राइब किए जाना मत, क्योंकि यार लाइक से सब्सक्राइब करने में डरना किस बात का, बिना डरे हिचकिचाए डाउन माने कि लाइक से सब्सक्राइब कर लो।